बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसल। नाज़रीन, पाकिस्तान का दिल कराची, सबसे बड़ा शहर जिसकी रोशनियां अब बहाल हो रही हैं, और सहरा इस शहर के अंदर रेंजर्स ऑपरेशन को भी जाता है। रेंजर्स के हवाले से हम बात करें तो एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के क्लॉज 1 ऑफ सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 4 और आर्टिकल 147 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत स्पेशल पावर्स जो हैं वो रेंजर्स को यहां पर वो इख्तियारात दिए गए हैं, और इसकी मुद्दत जो है वो कल खत्म हो रही है। मीडिया में इस हवाले से बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं। कहीं पर ये कहा जाता है कि वफाकी हुकूमत की तरफ देखा जा रहा है कि ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएं, जो स्पेशल पावर्स वो सीख कर रहे हैं। कहीं पर यह कहा जाता है कि सिंध हुकूमत ने समरी तैयार कर ली है, इंतजार किया जा रहा है, वफाकी हुकूमत को भिजवाई जाएगी। कहीं पर इसके दायरेकार के हवाले से सवालात उठ रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ कराची में होगा, या जैसे कि रेंजर्स चाह रहे हैं कि अंदरूने सिंध भी ये ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि बहुत सारे क्रिमिनल एलिमेंट्स जो हैं वो वहां पर पनाह हासिल कर लेते हैं, और उनके जो पुश्त पनाही करने वाले लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं, तो इसका दायरा कार वसी किया जाए, लेकिन सिंध हुकूमत इस पर तैयार नजर नहीं आती। इस हवाले से भी बात करेंगे। और जो आजकल एक रिफ्ट सा हमें नजर आ रहा है, चाहे वो सिंध हुकूमत उससे माने या ना माने, रेंजर्स और सिंध हुकूमत के इंटीरियर मिनिस्टर को लेकर, सिंध के वजीर दाखला को लेकर, सुहेल अनवर सियाल साहब के भाई के हवाले से जो इल्जामात हमारे सामने आए कि असद खरल जो कि दो करप्शन के केसेस 500 मिलियन और साथ ही साथ कुछ क्रिमिनल्स के साथ ताल्लुकात की बिना पर उससे इन्वेस्टिगेशन की जानी थी, और जिस तरीके से उसको फरार करवा लिया गया हिरासत से रेंजर्स की, इस एजेंसी की, वहां पर भी बहुत सारे सवालिया निशान जो हैं वो लग गए हैं। आखिर होने क्या जा रहा है, और ये जो ताल्लुकात हैं इस पैरामिलिट्री फोर्स के साथ, सिंध हुकूमत के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ये सुहेल अनवर सियाल साहब वाले एपिसोड को लेकर, उनके भाई के ताल्लुकात असद खरल से क्या हैं, ये तमाम चीजें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवा दूं, कराची स्टूडियोज में हमारे साथ इरफानुल्लाह खान मरवत साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, सीनियर सियासतदान हैं, एमपीए हैं, और कई बार सिंध के वजीर भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ आवरी का। मौला बख्श चांगियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर इत्तलात सिंध हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, आपकी तशरीफ आवरी का भी शुक्रिया। और हमारे साथ रिहान हाशमी साहब भी मौजूद हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैं, एमएनए भी रह चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का भी। इरफानुल मरवत साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगी, ये वाकई ये रिफ्ट की जो खबरें हैं आपको नजर आ रहा है, या फिर सिंध हुकूमत कहती है कि जी कोई इशू है नहीं, हल हो जाएगा, टाइम लग जाता है बाजू का चीजें डिस्कस करने में रेंजर्स की मुद्दत को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं समझता हूँ जी कि सिंध गवर्नमेंट संजीदा है इस मामले में कि रेंजर्स की पावर्स जो हैं उनको वो एक्सटेंड करेंगे, और ये तासुर क्रिएट हो जाता है कई दफ़ा, लास्ट टाइम भी हुआ था कि जब डॉक्टर आसिम का मामला आया था कि जी शायद सिंध गवर्नमेंट नहीं करना चाह रही, शायद कुछ रिजर्वेशंस हों भी, जब किसी की पार्टी का आदमी पे एक्शन होता है तो जी उनको ला माला तकलीफ तो होती है और एतराज़ात भी होते हैं, पर मैं समझता हूँ कि जी सिंध गवर्नमेंट इतनी गैर संजीदा हरकत नहीं कभी कभी करेगी कि रेंजर्स को सिंध में से हटा के नुकसान किसको है। सबसे बड़ा नुकसान तो सिंध गवर्नमेंट को खुद है कि इस शहर में अगर या इस सूबे में लॉ एंड ऑर्डर का रिवर्सल होता है तो वो भी तो सिंध गवर्नमेंट के खाते में जाएगा ना जी। ठीक है, तो मैं ये नहीं समझता कि वज़ीर आला सिंध खुद कप्तान है, वो जी वो है, वो मैं समझता हूँ कि जी कभी भी इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे। रह गया ये सवाल जी कि देर सवेर है, तो मैं माजी में भी गवर्नमेंट्स में रहा हूँ जी, और इनवेरिएबली ये आखिरी दिन या सेकेंड लास्ट डे या एक दिन गुजरने के बाद ही इसकी एक्सटेंशन होती है, और मुझे उम्मीद है जी कि ये, बल्कि मुझे यकीन है कि इसकी एक्सटेंशन होगी। सही, तो ये आपको तो यकीन है और हो भी जाएगी, लेकिन चांडियो से मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो देर सवेर की बात है, क्योंकि तासुर जो अवाम में जो परसेप्शन बनता है वो इसी ताखीर से ही बनता है कि पता नहीं क्यों ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कोई लेन देन है, क्या हो रहा है। तो ये पिछली दफा भी हुआ, इस बार भी हो रहा है, कल इख्तियारात की जो मुद्दत है वो खत्म हो जाएगी, बाकी एक्सटेंड कर रहे हैं, या कुछ खबरें हैं कि ऑर्डिनेंस की, वफाकी हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए कर दे? मेरा ख्याल है ठीक ही हो जाएगा। लास्ट बार जब ये मामला हुआ था तो कुछ लोग इसको बढ़ा चढ़ा के अपने मकासद की वजह से, लेकिन बिलाकर जैसे मरवत साहब ने कहा,
आखिरी दिन आकर दो दिन पहले उन्होंने दे भी दिया, सिंध असेंबली में कर दिया, सारा मामला है नहीं, एक फिजा बनाई जाती है, उनके अपने सियासी मकासद हैं। अब मैं किसी हिस्से का तो नाम नहीं लेता कि फिर नाराजगी हो जाएगी, मेरे में ताकत इतनी नहीं कि आप लोगों का प्रेशर बर्दाश्त कर सकूं, तो मैं नहीं बता सकता कि कौन लोग हैं वो, तो वो एक फिजा बनती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बार बार, लेकिन अगर आप डिले करें ही ना, मैं मतलब बार बार को खत्म हो रही है, आप चार दिन पहले ही कर दें, फिर मामला बने। इसमें सिर्फ मामला सूबाई हुकूमत का नहीं है, वफाकी हुकूमत का भी है, वो स्पेशल पावर के हवाले से उनका भी रोल है, वो भी करते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर सिंध मोहतरम सैयद कायम अली शाह और हमारे बुजुर्ग पर बार बार मैं आता हूँ, हम मैं अक्सर अब भी कह रहा हूँ, अभी आपने कहा जुमला, मैंने कहा जानने दे, आज आप मेहमान हैं तो आज पर आपसे रियायत करते हैं। देखिए, हमें रेंजर और सिंध पुलिस के जो नतायज हैं ऑपरेशन के, हमें उन पर फख्र है। सिंध पुलिस को नाम लेना ये ज्यादती है, सिंध पुलिस ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतने उनके अफसरान, इतने सिपाही ऑपरेशनों में हर जगह उन्होंने बड़ी कुर्बानी दिया। रेंजर ने कमाल कर दिया है, कराची में कारोबार रौनकें लौट आई, सरगर्मियां लौट आई, हमें भी तहफात हुए, हमें भी कहीं नाराजगी हुई, लेकिन नहीं, हमने कहा एक वसी मकसद की खातर, बड़े मकसद की खातर हमने सब सूरत आलम मुतमिन है, हमने कहीं शिकायत उनकी की ही नहीं है और अब भी नहीं करते, उनको अख्तियार भी मिलेगा इंशाल्लाह। आपने एक बात की है कि वो आप कह रहे हैं आपने शिकायत नहीं की है, डॉक्टर आसिम के टाइम पे भी शिकायत हुई, फिर आपने कहा कि सरकारी दफातर में क्यों छापे मारे जा रहे हैं, उससे पहले सिंध हुकूमत की परमिशन ली जाए, शिकायत तो हुई, ये ठीक है। लेकिन अभी एक बात, बात चैप्टर गुजर गया है, अब उसको दोबारा शिकायत नहीं है। देखिए, शिकायत है तो उधर जो जो दुरुस्त और सही प्लेटफॉर्म है उधर बात करना जुर्म नहीं है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, यही शिकायत जो हमने असेंबली से कानून पास किया, इमरान खान साहब ने बाद में बना पख्तूनख्वा में पास किया, आज बता वो ले ले दूसरे प्रोग्राम में, वो मंगा ले जो उन्होंने अमेंडमेंट की है कि किसी मिनिस्टर को नहीं पकड़ेंगे, मिनिस्टर को पकड़ेंगे तो चीफ मिनिस्टर को बताएंगे। ये ठीक है, हमारे में क्या है, हमने पहले किया, किसी अफसर को नहीं पकड़ेंगे उनके नाप के हवाले से, किसी अफसर को पकड़ेंगे तो चीफ सेक्रेटरी को, वही सारा मामला उन्होंने किया है, ठीक है, हमने किया, कयामत बपा हो गई, हमें एतमाद है इंशाल्लाह ताला ठीक होगा। अब ये फिजा बनाई जा रही है, चले। अच्छा, मैं जरा एमक्यूएम से भी पूछ लूं, क्योंकि उनके भी काफी रिजर्वेशंस रहे हैं इस ऑपरेशन पर। फिलहाल आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये शिकायत है जिसकी वजह से कुछ ताखीर हो रही है सिंध हुकूमत के जो शिकवे शिकायत मीडिया पर आते हैं, या फिर कोई और है पसे पर्दा हकीकत जो एमक्यूएम जानती है और आज अगर व्यूअर्स को भी बताना चाहें रिजर्वेशन के बावजूद, वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊं आपको, सिंध में जो और कराची में बिलखसूस जो ऑपरेशन का आगाज हुआ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की डिमांड पर हुआ था, 2013 से पहले के जो हालात थे, हालांकि हम पुरउम्मीद थे सिंध गवर्नमेंट से कि वो जो पुलिस फोर्स है उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करके दहशतगर्द क्रिमिनल्स चाहे कोई भी हो उनके खिलाफ एक्शन हो, मगर वो जो डिजायरेबल रिजल्ट थे वो नजर नहीं आ रहे थे, तभी हमने डिमांड की कि फौज के जरिए ऑपरेशन कराया जाए और उसका एक पैरामीटर सेट होना चाहिए था। और रोज़े अव्वल से ही हम मॉनिटरिंग कमेटी के क़याम की भी बात करते रहे। रेंजर्स बेसिकली रेंजर्स ऑर्डिनेंस 1959 एक है जिसमें बॉर्डर की सिक्योरिटी और इन केस अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है तो उस वक्त डिप्लॉय कर सकती है पुलिस की हेल्प के लिए, लेकिन उस ऑर्डिनेंस के तहत रेंजर्स मौजूद नहीं है यहाँ पर, बल्कि ATA 1997 के ATA एक्ट के लिहाज से मौजूद है। अच्छा, फिर उसके बाद आपका नेशनल एक्शन प्लान भी इंप्लीमेंट हो गया। नेशनल एक्शन प्लान कुछ जगहों पे हमें प्रोविंशियल एक्शन प्लान होते हुए नजर आया, नेशनल एक्शन प्लान को पूरे मुल्क पर मतलब इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी उसकी, लेकिन वो सिंध और कराची में बिलखसूस होते हुए नजर आया। फिर PPO के तहत जितनी भी कानून की अमलदारी हुई 90 रोजा रिमांड वो सिर्फ कराची में नजर आया और नेशनल एक्शन प्लान आपको सिंध में इंप्लीमेंट होते जी अमूमी तौर पर तासुर ये रहा। तो एक तो अच्छी बात है, नेशनल एक्शन प्लान तो इंप्लीमेंट होना चाहिए, प्रोविंशियल एक्शन प्लान कह रहा मेरा, आप प्रोविंशियल एक्शन प्लान कह रहे हैं आज एक साल से ज्यादा हो गया है कि अगर वहां पर नहीं हो रहा तमाम जगह पर होना चाहिए था। अच्छा, रिजर्वेशन की बात आप करते हैं, मॉनिटरिंग कमेटी का क्याम अमल में आना चाहिए था। देखिए, सब कराची में अमनो अमान होगा तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट होगी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाजे तौर पर चाहती है ऑपरेशन अपने
منطقی انجام تک پہنچے اس کو بیچ میں نہیں ختم ہونا چاہیے رینجرز کے اختیارات بھی نہیں ختم ہونے چاہیے تا وقتے کے مطلب آؤٹ کم نہ آئے کوئی رزلٹ نہ آئے کہ امن و امان قائم ہو گیا اور دیکھیں پولیس کا بالکل چانڈیو صاحب نے درست کہا جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز ہیں پولیس نے ریزالو کیے ہیں وہ بالکل صحیح رینجرز کی کولیبریشن اچھا اب ہونا کیا چاہیے تھا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری تھی کہ رینجرز کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ پولیس کو اکوپ کرتے ٹرین کرتے ان کی ریکروٹمنٹ کرتے ان کو ویل اکوپ کرنے کے بعد پھر رینجرز جو کہ بنیادی طور پر بارڈر کی سیکیورٹی کے لیے ادارہ ہے آپ ان کو آپ نے شہر میں جھونک دیا ان کمپیٹنس ہے یہ سوری ٹو سے ٹھیک ہے اچھا میں ایک بریک لے لوں بریک سے واپس آئیں گے تو یہ جو نکتہ انہوں نے اٹھایا ہے کہ پولیس کو ٹرین کیا جاتا اور پولیس جو ہے یہاں پر امن و امان کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ان کی جو ہے صحیح معنوں میں ٹریننگ ہوتی آج اسی حوالے سے اخبارات میں خبر بھی ہے اور آئی جی سندھ نے جس طریقے سے بتایا ہے کہ تقریباً 2700 کے قریب پولیس اہلکار ہیں جو کہ ججز کی سیکیورٹی کے لیے تعینات ہیں اور اس میں بیشتر ایسے ہیں جو کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی سیکیورٹی کے لیے بھی تعینات کیے گئے ہیں اور یہ خاص کر اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ چیف جسٹس سندھ کے صاحبزادے کے اغوا کے بعد جو ایک ہمیں سازش کا نام دیا گیا کہ جی پولیس ججز کو ڈی مورلائز کرنے کی سازش کی جا رہی ہے کوشش کی جا رہی ہے اس کے لیے کتنا معاون ہوگا اس پہ بھی ذرا بات کریں گے ایک وقفے کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ابھی بریک پہ جانے سے پہلے جیسے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ چیف جسٹس سندھ کے صاحبزادے کے اغوا کے حوالے سے جو سیکیورٹی ججز حضرات کو فراہم کی گئی ہے 2700 کے قریب پولیس اہلکار ہیں جو کہ آئی جی سندھ نے بتایا ہے کہ ججز کی سیکیورٹی پر مامور ہیں اور یہ فگر بھی کافی زیادہ ہے لیکن پھر بھی اس اغوا کو کہا گیا کہ ایک سازش تھی ججز کو ڈی مورلائز کرنے کی اور اس کے بعد آئی جی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ججز کی سیکیورٹی جو ہے وہ یقینی طور پر بڑھا بھی دی گئی ہے ایک اور خبر اسی حوالے سے چیف جسٹس صاحب کے صاحبزادے کے اغوا کے حوالے سے ہمارے سامنے آئی کیونکہ آج کل وہ انٹیریئر منسٹر صاحب کا ایپیسوڈ بڑا گرم ایشو بن رہا ہے پاکستان مسلم قائد اعظم کے سینٹرل وائس پریزیڈنٹ ہیں بابو سرور سیال انہوں نے ایک نیوز کانفرنس کی لڑکانہ کے اندر اور انہوں نے دونوں بھائیوں کو بہت زیادہ الزامات کا تنقید کا نشانہ بنایا اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کا اغوا ہے اس میں بھی ان کا ہاتھ ہے کہ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جو کرمنلز ہیں اور جو اس اغوا میں ملوث ہو سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ پاکستان مسلم نواز کے لیڈر ہیں پریزیڈنٹ ہیں لاڑکانہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے بابو سرفراز جتوئی انہوں نے بھی سیال برادرز کے بہت ہی ہینیس کرائمز میں ملوث ہونے کے حوالے سے الزامات لگائے ہیں ان کی انوالومنٹ کی بات کی ہے مروت صاحب واقعی حقائق ہیں یہ جو وزیر داخلہ سندھ پر اتنے سنگین الزامات اس وقت لگ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم جی کہ یہ الزامات ہیں یا نہیں ہیں پر مجھے کچھ اس میں ذاتی خلش بھی نظر آ رہی ہے اچھا کیونکہ بابو سرور سیال صاحب جو ہیں ان کو میں جانتا ہوں پہلے جو مرحوم ایم پی اے تھے الطاف اونٹ صاحب ان کے ساتھ تھے اس کے بعد جب سیال صاحب ہوم منسٹر بنے تو ان کے اسسٹنٹ تھے یا پی اے تھے پھر کچھ اختلافات ہو گئے جس کی وجہ سے میں خیال لوکل باڈیز الیکشن یہ بابو سرفراز سیال نہیں بابو سرور سیال سرفراز جتوئی ہیں جی سرور سیال آپ کہہ رہے ہیں پی اے تھے انٹیریئر منسٹر جی اور ملاقات ہوتی رہتی تھی ہماری کیونکہ اسمبلی میں ان کے ساتھ آتے تھے یہ وہ اور پھر جب بلدیاتی الیکشن ہوئی تو اس میں کچھ ان کے اختلافات آ گئے کہ کس کو ٹکٹ ملے کس کو نہیں ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ یہ جو الزامات ہیں اس میں کچھ ذاتیات کا بھی حصہ ہے باقی مجھے پتہ نہیں کہ جتوئی صاحب نے کس سلسلے میں یہ کیا ہے انہوں نے یہ سوال رکھا ہے جتوئی صاحب نے کہ ورنہ ایک لو گریڈ ایک جونیئر کلرک جو ہے وہ اتنی کرپشن کر سکتا ہے اگر کسی انفلوئنشل کی بیکنگ نہ ہو اسے اس نے جی ہم لوگوں کے ساتھ نہ پارٹی کے ساتھ شیئر کیا ہے نہ کسی اور کے ساتھ شیئر کیا ہے ان کے پاس خود اگر کوئی ایویڈنس ہو اگر کوئی شیئر کیا ہوتا تو میں ضرور جواب دیتا پر میں اس موقع پہ جی ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں ابھی ایک بات ہوئی ہے جی کہ یہ جو آپریشن تھا نیشنل ایکشن پلان یا پروونشل ایکشن پلان تھا میرے اس میں کچھ کامنٹس ہیں جی جی فرمائیے کہ یہ بالکل نیشنل ایکشن پلان تھا اینڈ ایوری بڈی واز آن بورڈ
कि जब ये डिसाइड हुआ कि जी ये लिया जाएगा एक्शन, और जिस किस्म के हालात कराची में थे, क्या ऐसे हालात बाकी पाकिस्तान में भी थे कि 25-25, 30-30, 40-40, 50-50 लाशें जो है वो रोज उठाई जाती थी? क्या लाहौर में ये हो रहा था? क्या इस्लामाबाद में हो रहा था? क्वेटा में नहीं हो रहा था? पिशावर जहाँ जिसके बॉर्डर में जंग चल रही है, आपको पता ही है बॉर्डर कितना दूर है, मेरे ख्याल से 5-6 मील है पिशावर कैंटोनमेंट से, इनफैक्ट लेस, 2 मील या 2.5 मील पे बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है ट्राइबल एरिया का, वहाँ ऐसे हालात नहीं थे। तो ये कहना मेरे हिसाब से नामुनासिब है। तो यानी यहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ, यहाँ पे किसने तारीफ नहीं की? कहते हैं जवाज मौजूद था। जी बिल्कुल, जवाज मौजूद था, हमने तारीफ की। जी तारीफ सबने की कि कराची में बेहतरी आई, सबको फायदा, सबको हुआ, हमने कहा हालात, किसी एक पार्टी को नहीं, कराची के रहने वालों को फायदा, बेहतर हुआ है, बेहतर हुआ है। रह गई बात जी ये, अगर ये हमारे साथ जतोई साहब शेयर करते तो जरूर जवाब, ठीक है, चले वो तो पीएमएलएन की बात होगी, लेकिन चांडी साहब आप भी इन्हीं चीजों से एग्री कर रहे हैं कि इसमें जातियात का अंसर है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो आप लोगों ने कहा है कि जी होगी, वो तो पता चल जाएगा जो इल्जाम लगे। फिर चीफ जस्टिस साहब के बेटों का मामला हुआ, तो उन इजलासों में आला अफसरान बैठे थे, तमाम इदारों के लोग, वजीर दाखिला बैठे थे, कहीं से भी कोई ऐसी बात नहीं निकली। लेकिन अभी अचानक जो रेंजर के साथ वजीर दाखिला का कोई भाई का मामला हुआ है, उस सूरत हाल से फायदा वो रिवायती जो मुखालिफ है उनके, वो लेना चाहते हैं, वो समझते हैं कि इदारे से लड़ाई हो गई है। हमेशा की तरह आप कहते हैं कि आपके जो मुखालिफीन हैं वो मौका जाने नहीं देते, वो अब मौके का फायदा उठा रहे हैं कि रेंजर्स के साथ एक टक्कर शुरू हुई, मौके खुद भी बना लेते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता और कुछ मुंह की खाली पड़ती है। कोई इसमें सदाकत नहीं है कि वजीर दाखिला साहब इसमें मुलविस हो सकते हैं या उनका भाई, नामुमकिन बात है। वो एक काबिल एहतराम है अपनी जगह पर, लेकिन उनकी तो इज्जत इसमें है कि वो अमन अमान हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये फिर उनको किस तरीके से एसोसिएट किया गया असद खरल के साथ, उनके भाई को, कुछ तस्वीर भी जो है वो भी आ गई सामने, दोनों को इकट्ठे दिखाया गया, उनके भाई कहते हैं मैं जानता नहीं। आप अक्सर कहती है कि मैं इनकार नहीं करता जिन बातों का, नहीं, तलुकात हो सकते हैं, जान पहचान हो सकती है, उन इलाकों में रहते हैं, गांव में होते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। मैं आज एक आदमी को जानता हूँ, कल आपको वो बहुत जुर्म कर ले तो क्या मैं उसका जिम्मेदार हूँ? ऐसा हरगिज नहीं है। वो वाकया हुआ है, आगाज उसका तालुक उसका भाई है, आगाज उस वाक्य का गलतफहमी से है, लेकिन बाद में वो गलतफहमी दूर हुई है, लेकिन मामला बिगड़ गया है। अब हम सब कोशिश कर रहे हैं हमारे बोलने से भी ऐसी फिजा ना बनाए, ये सूबे के अमन के खिलाफ होगा। अब हम आप सिर्फ जुमले इस्तेमाल करके यहाँ बड़ी भड़के मार के चले जाएं, इसके नतीजे सिंध के लिए अच्छे नहीं हैं। हमें माहौल को बेहतर करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ हमें रेंजर की कारदगर्दगी पर एतमाद है, फख्र है, सिंध पुलिस ने और इन लोगों ने मिलकर बड़ा काम किया है, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, इंशाल्लाह ये मुफाहमत इन इदारों की चलेगी, ये इदारे मिलकर सिंध में इंशाल्लाह आखिरी दशक के खात्मे तक इनका इत्तेहाद जारी रहेगा और इंशाल्लाह अमन अमान बहाल होगा। लेकिन एक ये जो खबर आई सियाल साहब के हवाले से, उसका तो कह रहे हैं चांडियो साहब के कोई सदाकत नहीं है उसके अंदर, उसका कोई ताल्लुक नहीं है असद खरल साहब से, लेकिन रहान हाशमी साहब जो फुटेज मौजूद है और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी कहा जा रहा है कि उसमें जो डीपीओ लड़काना का रोल है, जो दीगर पुलिस अफसरान है उनका रोल है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, आपको लगता है कि ये तमाम चीजें हो पाएंगी? क्योंकि हमारे यहाँ एक अलमिया है कि सामने होने के बावजूद भी कभी ना तो वो चीज पब्लिक होती है कि कौन मुलव्वस था, ना ही लोगों को सजाएं दी जाती हैं और उसके बाद फिर कोई उनसे इबरत भी नहीं पकड़ता है। देखिए, कानून की अमलदारी और पासदारी होनी चाहिए कहीं पर भी हो और किसी के खिलाफ भी हो, लेकिन वो हक और सच की बुनियाद पर हो, आइन के दायरा कार के अंदर रहते हुए होना चाहिए। अभी बात हो रही थी, खान साहब ने भी बात की, मैं उसको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, रिस्पॉन्ड नहीं है बल्कि मेरा अपना एक मौकफ है। देखें, अगर हम क्लेम करते हैं कि 80% मैंडेट रखते हैं शहर का, और वो मैंडेट के जो कि हम तमाम तर सिक्योरिटी मेजर्स की मौजूदगी में इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, चाहे वो बाई इलेक्शन हो, चाहे वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, और ऐसे एनवायरमेंट में कि जबकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के जिनका आपने नाम नहीं सुना है कराची में कंटेस्ट कर रही होती हैं, ऑप्शंस होते हैं लोगों के पास, उन मौजूदा ऑप्शंस की मौजूदगी में, तमाम तर सिक्योरिटी मेजर्स की मौजूदगी में एमक्यूएम अगर जीतती है तो इट्स मीन कि हमारा मैंडेट है और हम इस शहर का दर्द रखते हैं। अच्छा, इस शहर में मैं इस बात को चैलेंज के साथ आपको ये कहता हूं कि 2013 से पहले एक साल का आप डाटा ले लें, रिकॉर्ड ले लें, चाहे मौत किसी की भी हो वो काबिल मुजम्मत है और उसके कातिल को गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक साल के डाटा का चैलेंज करता हूं, 2013 से पहले का एक साल का डाटा ले लें, उसमें अमूमी तौर पर अक्सरियत
जिन लोगों को हलाक किया गया, शहीद किया गया, उसमें ज्यादातर लोग एमक्यूएम के या तो वर्कर्स थे या एमक्यूएम के सपोर्टर्स थे, दीगर लोग भी थे, लेकिन उसमें अक्सरियत एमक्यूएम के लोगों की थी, जिनको जिनके जनाजों को हमने अटेंड किया है। तो हमारा तो दर्द था, हमारा यही तो ग्रीवियंस है सिंध गवर्नमेंट से कि सिंध गवर्नमेंट को शफकत रखना चाहिए था, इमदाद करनी चाहिए थी, दादरसी करनी चाहिए थी, ऑपरेशन करना चाहिए था, चाहे कोई भी हो। और आज भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये बात कहती है रेंजर्स का जाना सिंध के लिए और बिलखसूस कराची के लिए मुनासिब नहीं है। तावक्त है कि वो कंक्लूजन लेकर नहीं आए। एक्सट्रीमिस्ट देखें, हमारा पाकिस्तानियों का एक कॉमन आइडेंटिटी है। चांडियो साहब बैठे हुए और वो कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, मंतक के अंजाम तक ये भी चाहते हैं कि कौन जाए। मतलब ये आपको लग रहा है नहीं कर रहे, फैसिलिटेशन नहीं हो रही। देखें एमक्यूएम के हेड ऑफिस में छापा पड़ता है, एमक्यूएम के कारकुनान मावराए अदालत कतल होते हैं, सिंध गवर्नमेंट मौजूद के साथ खामोश, लोग मिसिंग हैं आज भी, सिंध गवर्नमेंट खामोश। सिंध गवर्नमेंट को दादरसी करनी चाहिए, सिंध गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, ये इनका एक किरदार है जो कि मेरा ख्याल है कि बड़ा अहम क्रूशल रोल अदा करना जरूरत। और आपकी बात पे मुसलसल मरवत साहब नफी में सर हिला रहे थे, वो भी मैं उनसे पूछूंगी। मैं एक बात करूं जी, ये कह रहे हैं कि हम ताउन करते रेंजर के साथ, वो बात करते करते चले गए हैं कि 90 पे उनका, अब ये करें कि तावल करें एमक्यूएम के साथ। एमक्यूएम के साथ सिंध हुकूमत नहीं लड़ रही है, एमक्यूएम के खिलाफ सिंध हुकूमत नहीं है, ऑपरेशन के अंदर है, जेर असर ये शहर है, तमाम एजेंसियां मिलकर इस शहर में अमन अमान के लिए कर रहे हैं। उनकी कार्रवाइयों पर अगर किसी को तहफ़ुज़ात है, हमें भी कई जगहों पर हुआ, लियारी में कई ऐसे लोग गए जो हम जिनका हमारे साथ ताल्लुक था, तो क्या हम हड़तालें करते, हम रुकावट खड़ी करते ऑपरेशन के? नहीं, ऐसा हमने नहीं किया। तहफ़ुज़ात की बात करते रहे, लेकिन हमने कहा ऑपरेशन जारी रहना चाहिए, हम अपने लोगों को फिर मनाएंगे, लेकिन कराची में अमन होना चाहिए। तो इनसे हमारी अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लूँ, मुख्तसर सब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मरवत साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो रेहान हाशमी साहब की बात पर मुसलसल नफी में सर क्यों हिला रहे थे, और ये जो रेंजर्स को फैसिलिटेट करने वाली बात है सिंध हुकूमत की जानिब से, आया वाकई मरवत साहब भी समझते हैं कि फैसिलिटेशन हो रही है, मिल रही हैं तमाम सहूलतें जो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, इस पर भी बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। मरवत साहब आपसे जानना चाहेंगे कहां रुकावटें हैं इस ऑपरेशन में, आया हैं भी या नहीं हैं, या जिस तरीके से रेंजर्स चाह रहे हैं कि वो दायरा कार उन्हें मिले, वो मैंडेट मिले, वो दिया जा रहा है, फैसिलिटेट कर रही है सिंध हुकूमत उन्हें? देखिए अर्ज ये है जी कि ऑपरेशन सब चाहते जी, सब ये चाहते हैं कि कराची के हालात ठीक हों, पर बीच में ये भी ख्वाहिश रखते हैं कि दूसरे के ऊपर हाथ डालो हमारे ऊपर हाथ। तो ये चीज है, जब तक दूसरे पे हाथ डालो तो ऑपरेशन अच्छा है, जिस दिन घर के नजदीक जरा हाथ पड़ जाए तो फिर ऑपरेशन जो है वो मुतनाजा हो जाता है। ये बात मैं बिल्कुल क्लियरली कहूंगा, बाकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा कि ये इन्होंने कहा कि जी एमक्यूएम के साथ वाले जो लोग हैं वो मारे जा रहे थे, कराची के शहरी मारे जा रहे थे, कोई भी जुबान बोलने वाले हों। अगर हम इस बहस में चले गए तो फिर लासानियत की तरफ हम चले जाएंगे, वो अच्छी बात नहीं है। बड़ी मुश्किल से इस शहर में लासानियत खत्म हुई है और हम नहीं लाए थे लासानियत। बहरहाल हम भी, मैं भी जी थक गया हूँ यहाँ पे जनाजे अटेंड कर करके, इतने जनाजे हमने अटेंड किए हैं ऑपरेशन से पहले कि एक एक दिन में एक जनाजे पे अभी खड़े होते थे तो कॉल आती थी कि फलान जगह बंदा मारा गया, फलान जगह। और मारे कौन जाते थे? मूंगफली बेचने वाला, चपली ठीक करने वाला, तंदूर पे रोटी लगाने वाला। ये इस किस्म के लोगों का ना किसी के साथ दुश्मनी हो तो मुश्किल से, मतलब अपने दिहाड़ी बड़ी मुश्किल से कमाते थे कि बच्चों का पेट पाले। ठीक है, लेकिन अब हालात आप कहते हैं बेहतर हुए, सब कुछ है, लेकिन साथ ही साथ जो आपने बुनियादी बात करते कि जब किसी पे हाथ पड़ेगा तो वहाँ चीखेगा, कहेगा कि दूसरे पे आपने जो कहा वहाँ ऑपरेशन करो, मुझ तक नहीं आओ, आ रही आई और आती रहेगी, ये एक बुनियादी चीज़ है जी, ये आती रहेगी। पर मैं समझता हूँ कि जी विद द एक्सेप्शन ऑफ वन और टू प्लेसेस जहाँ पे ये ऑपरेशन में और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में इख्तलाफ पाया गया है, उसके अलावा इसमें काफ़ी स्मूथ सेलिंग हुई है। और मैं तो जो देखता रहता हूँ और जो सुनता रहता हूँ उसमें मेजर इख्तलाफ दो चीज़ों वक्त पे आया है।
डॉक्टर आसिम, एक डॉक्टर आसिम की दफा और एक सरकारी दफातर वाला भी था। अब कैसे ये बोथ साइड्स उसको हैंडल करते हैं जी, ये इनको पता होगा और उनको पता होगा, पर मुझे लग रहा है कि इस बार उतना फ्लेयर अप नहीं हुआ जितना लास्ट टाइम हुआ था। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि ये अगर इतना फ्लेयर अप नहीं हुआ तो ये संजीदगी के साथ अगर इस पे काम हो, वो तो जिस तरह उन्होंने आगाज में कहा कि हो जाएगा मुफाहमत के साथ, रेंजर्स की जो पावर्स हैं स्पेशल पावर्स वो तो एक्सटेंड करेंगे, आपने भी कह दिया। मैं आती हूँ आपकी तरफ, लेकिन एक सवाल चांडियो साहब दरमियान में, कि अब जो खबरें हैं कि जी रेंजर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि जो बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं वो अंदरूनी सिंध छुपते हैं, वहां पुश्त पनाही करने वाले एलिमेंट्स भी मौजूद हैं और वहां ऑपरेशन होगा और सिंध हुकूमत शायद विलिंग नहीं है इस चीज के लिए। रेंजर आई है आईनी और कानूनी तरीके से ऑपरेशन में। एक है मुजरमों का पीछा करना, कराची में भी जैसे ज़र्ब अज़ब है, अफवाज ने कामयाबियाँ हासिल की, दहशतगर्द पूरे मुल्क में फैल गए हैं, ये शहर बहुत बड़ा शहर है, मुल्कों जैसा शहर है ये, इसमें फैल गए हैं जिसके असरात आप देख रहे हैं, आए दिन मुकाबले होते वही लोग मारे जाते, तो उनके पीछे यहाँ से फिर अभी भागे हैं, या जब यहाँ ऑपरेशन में कामयाबी हुई है रेंजर को और सिंध पुलिस को, वो भागे हैं। भागने वाले मुजरिम के पीछे जाकर उसको एक मखसूस जगह पर पकड़ना, सजा के हवाले करना, इस पर किसी को भी एतराज़ नहीं है। हमें एतराज़ नहीं कि किसी मुजरिम का पीछा करके अगर उसको पकड़ के लाएँ और कैफर गिरदा तक, तो हमें एतराज़ नहीं। दूसरी बात जो कही जाती है वही कि ऑपरेशन का दायरा, वो जो इंटेलिजेंस की बुनियाद पर, उस पे खबरों की बुनियाद पर अगर भी जाएंगे पकड़े, फुल फ्लेज ऑपरेशन आप कहते हैं नहीं होना चाहिए, फिर ऑपरेशन के लिए, फिर ऑपरेशन के लिए कानून और आइन के तकाजा होंगे। जितना असेंबली ने अख्तियार दिया है, सिंध असेंबली ने या पाकिस्तान के अख्तियार जितना है उसके मुताबिक चलेंगे। अगर आप ऐसा एक्शन उठाएं जहां से सूबे के लोगों के दिए हुए मैंडेट को ही खतरा लाक हो जाए, कोई सूबाई हुकूमत का तस्वर खत्म हो जाएगा, कैसे पार्टी मानेगी? मुझे ये समझाएं कि अगर क्राइम जो जराइम पेशा अनासर को पकड़ रहे हैं तो उसमें कैसे सूबाई हुकूमत का मैंडेट खत्म हो जाता है? चलो अच्छा, अगर अमन अमान किसी अच्छा, जगह बड़ा अच्छा दानिशवरी का सवाल आपने पूछा, मुझे खुशी हुई आपके इस सवाल से। आप अच्छा पूछती है, मैं तो कभी नहीं, एक मुजरिम है वो पकड़ा गया है, वो पकड़ना चाहते हैं, वो मीरपुर खास चला गया है, अब आप कह रहे मुझे उसके पीछे जाने में हमें एतराज नहीं है, लेकिन फुल फ्लेज ऑपरेशन नहीं, फुल फ्लेज की आईन और कानून के दायरे का हमने कराची में तो मना नहीं किया, सारे जमा कानून के मुताबिक करेंगे तो कबूल करेंगे ना। आप लाठी लेकर हमें कहोगे कि नहीं हम यूं करेंगे तो एक सियासी गवर्नमेंट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यूं करेंगे लाठी लेकर, नहीं मैं आपसे पूछ रही हूं, मैं उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जिसमें मुझे एतराज हो, सीधी बात है, एक जमहूरी हुकूमत है, एक मुंतखब हुकूमत है, सियासी हुकूमत है, अपने लोगों के जवाब पार्टी के सामने जवाबदार हुकूमत है, ऐसा तो अंधेरे नगरी नहीं कर सकती। अच्छा, बाकी तो मुजरिम के पीछे जाना, बोन ऑफ कंटेंशन है वो तो क्लियर हो गया, कि कराची में करें फुल फ्लेज करें और अगर कोई मुजरिम भाग गया तो उसको पकड़ते हुए चले जाएं। आपसे मुझे तो एक सेकंड, आपसे मुझे नहीं तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके करेंगी, आपका कसूर नहीं, आप कराची में आ गई है, इस्लामाबाद जैसी नहीं थी। मैं ये कह रहा हूँ, कराची में कैसे हो जाता है, मैं कह रहा हूँ हमें एतराज नहीं है। कराची में जो आपने किया है, सबसे पहले एमक्यूएम ने कहा, ठीक है बिल्कुल, फिर सारी पार्टी ने कहा, तो ये मुतालबे पे आए हैं कराची में, वहां ऐसा कोई मुतालबा नहीं है, कराची जैसे हालात सिंध के किसी भी शहर में नहीं है। नंबर दो, ये एक आईन और कानून के तहत कराची में आए हैं, उधर ऐसी कोई फिलहाल कोई फिजा नहीं है। असेंबली अगर मखसूस अख्तियार देगी और आईन और कानून के तहत आएंगे तो कौन रोक सकता है? चलें, मैं आपने कहा कि मैं कराची में आके टेढ़ी मेढ़ी हो गई, लेकिन रेहान हाशमी साहब आप सीधा जवाब दीजिएगा, बोन ऑफ कंटेंशन लगा क्या? चांडियो साहब ने प्रोग्राम में कह दिया है और आप सुनिएगा सुझाव आपने कहा है, और मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कानून की अमलदारी की बात कर रहे हैं आप, चलें बहुत अच्छी बात है, तो कानून की अमलदारी में वो मिसिंग पर्सन जिनका हम क्लेम करते हैं वो नजर नहीं आते। कानून की अमलदारी में माँ वराय अदालत कत्ल होने वाले लोग, अभी रिसेंटली एक नौजवान को शहीद किया, कत्ल किया, वो हज़ारों लोगों की मौजूदगी में उसको घर से लेकर गए और उसको एक साल के बाद मार के फेंक दिया गया। अच्छा, इसमें हम मुरीद इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहे, हम तो कह रहे हैं कि हमारा एतमाद हमारे इदारों पर है, हमारा एतमाद इसलिए है कि अकाउंटेबिलिटी मजबूत है ना इनकी। अब अगर हमारे इदारे विद द कोलैबोरेशन ऑफ सिंध गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस, जिस तरह के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी अहकाम जारी किए थे कि आफ्ताब
को जिन अहलकारों ने मावरा अदालत कत्ल किया उनके खिलाफ कार्रवाई होती, कार्रवाई होती हुई नजर आती तो मजीद हमारा एतमाद बढ़ता। हम तो एक कंकर फेंकने का भी गवारा नहीं करते क्योंकि हमारी ज़रूरत है। और देखें ये बात उस वक्त होती कि जब सिंध गवर्नमेंट खड़ी होती है और कहती है आपके शहर ही है ना, आपका शहर है, आपके शहर ही हैं, मैंडेट हम रखते हैं, तो क्या हुआ, हुकूमत तो आपकी है, आपको होना चाहिए था, बोलना चाहिए था मियाँ इसकी इसके 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 ऊपर आप जो है ना जवाब दें हमें, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। बहुत बहुत मौजूद के साथ ऐसा इसलिए नहीं हो रहा कि शायद स्टेक नहीं रखते, इनका इंटरेस्ट नहीं है सिंध गवर्नमेंट का। अच्छा अब बात करते हैं कि जो हमारी बात हो रही थी, अभी खान साहब ने भी बात कही, देखें मैंने तो लसानियत की बात ही नहीं की, मैंने तो सिर्फ ये बात की कि 2013 से पहले एमक्यूएम के अगर आप कैलकुलेट करें तो उसमें ज़्यादातर तादाद एमक्यूएम के सपोर्टर्स या वर्कर्स की थी। मैंने उर्दू बोलने वालों की बात नहीं, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी में उर्दू बोलने वालों की जमात नहीं रही है, अब उसमें तमाम अकवाम के लोग हैं। यही तो हमारा प्राइड है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब मुत्तहिदा हो चुकी है। अच्छा लेकिन अब अगर बात अच्छी होती कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बात करती मावरा अदालत कत्ल होने पे, मॉनिटरिंग कमेटी के क्याम के ऊपर, कराची जो कि मेगा सिटी है जहां पर तमाम अकवाम के लोग हैं, तमाम लिसान के लोग हैं, लोकल बॉडीज यहां पर मौजूद नहीं है। लोकल बॉडीज सिर्फ एमक्यूएम की थोड़ी होगी, अगर एमक्यूएम का मेयर आ गया तो एमक्यूएम का थोड़ी होगा वो मेयर, वो तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेक होल्डर्स और लोगों को सर्व कर रहा होगा। और अभी बात हो रही थी सियाल साहब के हवाले से, तो एक और इशू है कि देखें जो भी रिस्पॉन्सिबल पोजिशन दी जाती है वो बड़ी ठोक बजा के दी जाती है किसी शख्स को, हो सकता है कि पर्सनल हॉस्टिलिटी कोई निकाल रहा हो स्टेटमेंट देकर, चाहे वो इंटीरियर मिनिस्टर हो, चाहे वो नामजद मेयर हो, इस तरह की तमाम शख्सियात को बड़ा कैलकुलेट करके नामजद किया जाता है ताकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख कर किया जाता है। तो ऐसे लोगों को के खिलाफ यकीनी तौर पे बहुत सारे इल्जाम लोग लेकर आते होंगे, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करनी होगी और क्रेडिबिलिटी चेक करनी होती है। एक ब्रेक ले लें, यहाँ पे ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जो बात हुई मॉनिटरिंग कमेटी के हवाले से भी आगाज में की थी रेहान हाशमी साहब ने, और जिस तरह इन्होंने कहा कि जो मावराए अदालत कत्ल होते हैं या जो मिसिंग पर्सन का मामला है, किसी भी सियासी जमात के अगर कारकुनान पकड़े जा रहे हैं और अगर वो लापता हैं तो ये मॉनिटरिंग कमेटी का क्याम का जो मुतालबा था, क्या इस पर दोबारा से कोई बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, क्या ये मामला जेरे गौर है, इस पर भी बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। मरवत साहब ये बताइएगा जो इन रेहान हाशमी साहब ने अपनी जमात की तरफ से जो शिकायत रखी है और जो आए रोज हम मीडिया में देख भी रहे होते हैं, एहतजाज भी उस पर हो रहा होता है मिसिंग पर्सन के हवाले से और जो इनके कारकुनान के कत्ल का मामला है उस पर ये जो सारे ग्रीवेंसेज हैं इनको एड्रेस करने के लिए क्या कोई कमेटी होनी चाहिए जिस पर सिंध हुकूमत जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर बैठे और रेंजर्स के साथ भी ये बात की जानी चाहिए? अगर हर आदमी अपनी जमीर की बात आवाज़ उठाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फेवर में हूँ इस ऑपरेशन के, और इसके साथ साथ जी मैं समझता हूँ कि मिसिंग पर्सन्स नहीं होने चाहिए, मारवाए अदालत कोई कत्ल नहीं होना चाहिए, कोई कितना ही खराब क्रिमिनल हो आप उसको कोर्ट में लाएं, उसको सजा दें, सजा देंगे तो बाकियों को भी नजर आएगा कि जी स्टेट जो है वो सजा देती है। किसी को कत्ल करना थ्रू टॉर्चर, आई डोंट थिंक जी दैट इज द वे इन दिस 22nd सेंचुरी। ना ही मिसिंग पर्सन आप अरेस्ट करें, उनका रिमांड लें, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप उनका रिमांड लें, बिल्कुल। और साल हर साल भी है, जिस तरह रेंजर्स कुछ, कर भी कुछ लोग इसमें फर्क है कुछ में आप, पर वो इनको नहीं अप्लाई करता, वो जैसे जो ट्राइबल एरियाज में जंग चल रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ कोई आने के लिए ही तैयार नहीं है, कुछ 2-4, 10-20 कराची में भी हैं ऐसे जिनके सामने कोई आने के लिए तैयार नहीं, लाजमन ये नहीं कि इनके हों, और जुमातों के भी हो सकते हैं, ठीक। और हर किस्म के लोग हैं जिनसे लोग इतना खौफ रखते हैं कि उनके सामने नहीं आ सकते, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ जिनके लिए इंटरनमेंट सेंटर्स बने हैं। वो इंटरनमेंट सेंटर्स क्यों बने हैं, बिकॉज दे आर फॉर दोज पीपल, जैसे वो बना हुआ है गुआंटानामो बे, वो क्यों बनाए गुआंटानामो बे, बिकॉज आप उनको कन्विक्शन कैसे करेंगे, कोई आएगा ही नहीं सबूत लेके।
पर वो बड़ी स्मॉल माइनॉरिटी है जी. अदरवाइज आई थिंक जो सक्सेस है ऑपरेशन का उस पे एक दब्बा सा लग जाता है अगर इस किस्म की चीजें हो. और सक्सेस बहुत अच्छा है, आपने खुद भी कहा और हामी भी यहाँ पे इस ऑपरेशन बहुत बड़ा. लेकिन ये चीजें जो हैं, वो जो मुतालबा था इनकी जानिब से कि जी कमेटी हो, मॉनिटर करे ऑपरेशन को, आर इनइफेक्टिव जब तक आप खुद एक्टिव होंगे सब तमाम पार्टीज के. अगर इस तरीके से गलत हो, हर एक को अपनी आवाज उठानी चाहिए. एक कमेटी पे छोड़ दिया तो कमेटी की कभी मीटिंग हुई कभी ना हुई. हम मुखालिफ नहीं है. ये पहले इजलास में जो गवर्नर हाउस में हुआ, वजीर साहब तशरीफ लाए थे, एमक्यूएम थे, सब थे, उसमें तय हुआ था कि ऑपरेशन हो और ये मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी. ये हुकूमत को बनानी थी, क्यों नहीं बनी, इसका जवाब हुकूमत को देना चाहिए. इसमें सिंध हुकूमत के बनाने का सवाल ये नहीं है. हुकूमत उन्हीं को बनानी है. ऑपरेशन के जेर असर शहर है, वफाक की हुकूमत निगरानी कर रही है ऑपरेशन की. और आए दिन अगर जो यहाँ थोड़ा अमला माल कायम होता है तो वो भगड़ा डालते हैं कि जी हमने ये किया है. और बाकी मामला से बाकी मामला वो हमारा कोई नहीं. वो कहते हैं कि जब कुछ बुरा होता है तो कह देते हैं हम ये हमारे नहीं, लेकिन अच्छा और बुरा हो कैप्टन वजीर आला से इंसान बने में विपक्षी हुकूमत कमेटी बनाएगी. आप कहते हैं है ही उनका बन, लेकिन लेकिन फिर मरवत साहब वो उन्होंने पार्टियों के वजीर आजम साहब का इस ऑपरेशन में इंटरेस्ट वो कितना है. कुछ लोग कहते हैं कि जी वो आए यहाँ बैठे हर चीज मॉनिटर करें. ऑपरेशन में काम नहीं है. देखिए ये क्या वजीर आजम का ये काम है कि इधर बैठ के फलान को पकड़ो, फलान को पकड़ो, फलान को छोड़ो. ये वजीर आजम का काम नहीं, कमेटी बनाने की बात कर सकते हैं. ये बात सही है, ये वजीर आला का काम, ये वजीर आला का काम नहीं, उसका भी काम नहीं है. ओवरऑल मैं आपको बता दूं, ये खान साहब की बात दुरुस्त है. ये वजीर आजम का काम नहीं है कि एक पार्टियों के तहफजात दूर करे. वजीर आजम का काम है कि अगर एक सेठ लेब से नाराज हो जाए तो उस सेठ के लिए बयान दो. अगर अपने खास दोस्त नाराज हो जाए, नेब उनको सख्त तंगी करे तो कहे कि जनाब आप ठीक हो जाओ, शरीफों की पकड़े ना हो चलो. अगर अपना कोई रिश्तेदार पकड़ा जाने में वो वजीर से कुछ छुड़ाने की जिम्मेदारी है. ये अहम मामला है, आप इसमें मुदाखलत करें, तहफजात दूर करवाएं उनके. क्योंकि ऑपरेशन कामयाब ही तब हो रहा है जब सब लोग साथ हैं, किसी को भी मौका नहीं मिल रहा. तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम स्टेक होल्डर साथ होंगे तो ही कामयाब. अब ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से आगे चलेंगे तो मसला हल होगा. तो किसकी जिम्मेवारी है, किसकी नहीं है, कौन कैप्टन है, कौन खान साहब ने, खान साहब ने सारे, खान साहब ने सारी बातें अच्छी करके, खान साहब ने सारी बातें अच्छी की है. लेकिन अभी क्योंकि नून लीग के भी है तो थोड़ी सी बात वो भी तो करेंगे ना. ठीक है रिहान हाशमी साहब, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जी कि हर पॉलिटिशियन और हर पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई चीज विजिबली गलत है, जैसे कोई किसी को मार दिया गया है इंटेरोगेशन में, तो उसके लिए आवाज उठानी चाहिए. कोर्ट में भी जा सकते हैं. आज इनके साथ हो रहा है, कल इनके साथ होगा, परसों मेरे साथ होगा, हमारे साथ होता रहा है. आपकी जानिब से जो इत्तेजाज था इस मामले पर, आवाज उठाई भी जा रही थी, वो फिर आवाज दब क्यों गई, सुनी नहीं गई? आपने कहा कि ना वजीर आजम और ना वजीर आला सिंध किसी ने भी नहीं सुनी. जब ऑपरेशन शुरू हुआ तब फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों की जानिब से यह अश्योर किया गया था कि जनाब मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी. अच्छा, हमें उस वक्त भी कुछ खदशात थे, लेकिन साथ में हमारा अभी भी एतमाद हमारे इदारों पर है कि हमारे इदारों की अकाउंट एबिलिटी इतनी अच्छी है, इतनी मजबूत है, तभी तो हम दूसरों से नुमाया करता है इस इदारे को. तो हम अभी भी पुरुमीद हैं कि इदारे खुद अकाउंटेबिलिटी कर लें कि मॉनिटरिंग कमेटी का नारा लगाने और उसके बनाने की जरूरत ही ना पड़ती, या उसके डिमांड करने की, मतलब बनाने की डिमांड जो कर रहे हैं हम, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती. तो मगर उस जमन में भी आपका एक डेलीगेशन जो है वो मिला था, डीजी रेंजर से भी उनकी मुलाकात हुई थी. देखिए जो ये मिन हैसुल इदारा, तो यकीनी तौर पर पॉलिसी नहीं होगी. चंद अनासिर ऐसे होंगे, डीजी रेंजर्स की तरफ से तो पॉजिटिव किस्म के रिस्पांस आते हैं, ठीक, उनके लिए मेरे ख्याल एज अ पॉलिसी ये तो पॉसिबल नहीं होगा. लेकिन इदारा नहीं कर रहा ये, इसमें चंद अनासिर अगर कर रहे हैं तो उनको अकाउंटेबल होना चाहिए, ताकि इसके ऊपर शकूक और शुभात, इस पे जो बदरुमा दाग लग रहा है वो किसी भी सूरत में ना हो. क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की खास तौर पर मुत्तहदा की ये डिमांड है कि ऑपरेशन जारी रहे. इसके नतायज जो आ रहे हैं, जो समरात हैं, उससे तमाम लोग खुश हैं, लेकिन जो भी तहफुजात हैं उनको दूर होना चाहिए. एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी चांडियो साहब. काबीना में तब्दीली की, रद्दोबदल की खबरें गर्दिश कर रही हैं, खासकर ये सियाल साहब के एपिसोड के बाद. इसमें कोई सदाकत है या नहीं? ईमान से मुझे पता नहीं है. होता तो मैं आपको जरूर बताता. चलें, बहुत शुक्रिया मरवत साहब आपका, चांडियो साहब, रेहान हाशमी साहब. दैट्स ऑल फॉर टुनाइट. आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह. इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़.